देर रात तक मोबाइल चलाने से पिता द्वारा मना करने पर नाराज छात्र ने बाथरूम के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर सरकंडा पुलिस जांच करने घटनास्थल पहुंची। सरकंडा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। सरकंडा पुलिस ने बताया कि अशोक नगर निवासी 13 वर्षीय बालक सोम जायसवाल आत्मानंद स्कूल के कक्षा 7वीं में पढ़ रहा था, जो 30 जुलाई की रात छात्र अपने पिता के साथ सो रहा था और बिस्तर में भी मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान पिता ने देर रात मोबाइल चलाने से मना किया और सोने जाने के लिए कहा, साथ ही उन्होंने सुबह उठकर मोबाइल चला लेना बोला। उसके बाद उसके पिता कमरे में सो गए। कुछ समय बाद छात्र उठकर बाथरूम में चला गया। इस बीच बाथरूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी दादी उठकर देखने गई तो छात्र बाथरूम में फांसी के फंदे पर झूल रहा था, जिसे तत्काल परिजन ने फंदे से उतार कर छात्र को सिम्स लेकर पहुंचे। तब वहां के डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी। DLS अशोक नगर का मामला है, जिसमें हमको मेमो प्राप्त हुआ था सिम्स से, जिस पर एक अबोध बालक है, उसके द्वारा रात्रि में पिताजी के द्वारा उनके मना करने पे मोबाइल के गेम खेलने से मना करने से क्षुब्ध होकर उसने रात्रि में ही गलत कदम उठा के फांसी लगा लिया अपने आप को। उसी पे हमने पंचनामा कार्रवाई कर आगे की जांच विवेचना में। क्या कुछ इसके मैसेज देना चाहेंगे कि युवा जो है मोबाइल पे ज़्यादा हमारे तरफ से मैसेज यही होगा समाज के लिए कि जैसे आउटडोर गेम हो, खेल कूद हो, बाकी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलें, कबड्डी खेलें, बाकी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो बाहर आउटडोर जो गेम होते हैं वो पे उस पर ज़्यादा पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए। अन्यथा जो ये स्थिति आज है वो और भी आगे भयानक हो सकती है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।